नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। और आप ये देखिए, जो सामने बादल हैं ये बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। ये देखिए, ये हमारी थार खड़ी है। तो मैं निकल रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना के डाली जाए। ये देखिए, हमारे दोस्त रामपुर से महेंद्र जी, इनकी सेवा जो है ये सेवा करते हैं, सेवा दल जाखड़ी में इनकी बहुत जो है सेवा। खुद ये बर्तन मांजते हैं, सेवा सब्जी जो सब है संगत की देख रेख करते हैं ये। और ये देखिए, कानवी कानवी करके जो ये जगह है रास्ते में पड़ती है, कितनी सुंदर जगह। और व्यू देखिए आप सामने, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और वो देखिए सामने बादल दिखाई देंगे आपको, और नीचे से हल्की हल्की जो है नदी की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये देखिए, रहने का भी यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा ना, वो नीचे कुछ है वहाँ पे, है ना, अगर स्टे करना तो। ये देखिए, अगर आपने स्टे करना है तो वो नीचे आपको शेड दिखाई देंगे। धुंध भी हो गया, हाँ धुंध हो गया नीचे। आप खड़े हो गाड़ी के पास, मैं जरा नीचे तक जाके आऊँ। क्या लॉक लगा दिए, इकट्ठे चले? नहीं, हाँ थोड़ी एक वॉक करके आता हूँ, है ना, लॉक कर दूँ गाड़ी? हाँ लॉक करो, हो जाएगी। नहीं, मैं चाबी अंदर ही है, तो आइए। मैं रहता हूँ यहीं, आप जाओ, मैं यहीं हूँ। चलो ठीक है, तो आइए दोस्तों, आपको नीचे लेके चलते हैं। देखना खुली है, सामान सब। तो आइए आपको नीचे लेके चलते हैं। ये मुझे जगह ही बहुत अच्छी लगी, क्या सुंदर नज़ारा है, शांति देखिए। चलो एक वॉक कर लेते हैं नीचे हल्की सी। ये देखिए, एक रेस्ट हाउस तो नहीं, आई थिंक वो घर है किसी का, पर आप जगह देखिए सामने, धुंध आ चुकी है बिल्कुल। ये देखिए, रोड के ऊपर बिल्कुल धुंध है। ये देखिए, आप जब निरमंड से श्रीखंड की तरफ जाएंगे ना, तब ये रास्ते में जगह पड़ती है कानवी, कानवी करके। और जब आप श्रीखंड से नीचे की तरफ आएंगे, तब ये जगह पड़ती है कानवी। और आप यहाँ पे जो है रूम वगैरह जो है आप ले सकते हैं, आपको यहाँ पे 500 से 1000 के बीच है जो रूम मिल जाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है। और वो देखिए सामने से कोई भाई साहब अपने कंधे पे जो है घास जो है उन्होंने उठा रखी है, काफ़ी मेहनती बहुत है, काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के। वो देखिए नीचे जो है धुंध पड़ी हुई है, और व्यू देखिए आप ऊपर तक। काफ़ी शानदार देखिए नज़ारा। आइए एक लोकल, अच्छा लोकल तो ऊपर ही चला गया, शॉर्टकट ले लिया, मुझे था कि लोकल से बात करेंगे। ये देखिए सुबह का जो है इस टाइम 7 बजे के आसपास का टाइम है। वो दो लोकल बैठे, आइए उनसे बात करते हैं। ये देखिए आप, व्यू कितना सुंदर है। क्या बात है, आंखों को मतलब सुकून मिल जाएगा, लाइव देखने का तो मज़ा ही लग गया। जय भोलेनाथ। भाई साहब कौन सी जगह ये? ऊपर कानवी लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा, तो मैं निकल रहा था, मैं कहा थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगा ना बादल वगैरह देख के। कौन से सर आप? मैं चंडीगढ़ से। अच्छा। कौन सा देवता जी का मंदिर है ये? है माटी सिंह देवता। अच्छा ऊपर है? हाँ जी हाँ जी, यहाँ ऊपर जंगल के साथ ये पीछे को। अच्छा अच्छा, देवता जी का नाम माटी सिंह देवता है। अच्छा, जो लोकल मानते हैं। से भी बढ़िया व्यू आएगा, पर अब तो धुंध पड़ गई। तो पर ऊपर तो फिर पैदल जाना होगा ना? यही है रास्ता सीधा यहाँ से। अच्छा, तो अभी तो श्रीखंड महादेव से आ रहे हैं, तो आगे आप वापस। अब तो हिम्मत नहीं है ऊपर, कहाँ पैदल चढ़ाई कर ले। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग लोकल ही हो? हाँ जी। अच्छा, तो मैं क्या थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ ना, एक याद रह जाती है। ठीक है।
अच्छा, तो वो कितनी दूर होगा अगर देवता के पास जाना हो तो पैदल रास्ता? यही है, दो चार मिनट लगते हैं। ऊपर मंदिर है? हाँ जी, हाँ जी मंदिर है, बहुत बढ़िया जगह है। तो जा सकते हैं ऊपर? कोई रोक टोक तो नहीं होगी? नहीं नहीं जा सकते। अच्छा जी, गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, लॉक करके फिर ऊपर चले जाते हैं ना? कितने, दो ही है? बस दो ही जने हैं, लॉक कर दूंगा वहाँ पे, है ना। तो जैसे कि अब हमें पता लगा है यहाँ पे ऊपर देवता जो है इनके, उनका मंदिर है ऊपर जंगल के बीच में। 5-10 मिनट का जो है वो रास्ता है। अगर आपने ऊपर देवता के दर्शन करने हैं तो आप ऊपर भी जो है जा सकते हैं। तो पूछता हूँ मैं अपने साथी भाई साहब से कि क्या प्लान है। वीडियो के साथ आप बने रहिए। और ये देखिए नज़ारा, क्या खूबसूरत वादी है। ऊपर देखिए हल्के हल्के आपको जो है बादल दिखाई देंगे। बहुत सुंदर जगह। अगर आपने स्टे करनी है तो आपको यहाँ पे रूम भी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए चढ़ाई थोड़ी सी, थके हुए हैं इसलिए चढ़ाई भी है जो मुश्किल लग रही है। ये देखिए महेंद्र जी, वो कह रहे हैं ऊपर देवता का मंदिर है बिल्कुल साथ में। मार्टिसन देवता कह रहे थे, मार्टिसन देवता। अच्छा। कह रहे 2 मिनट का रास्ता अगर जाना हो तो आपने। अच्छा। चलें फिर? वो तो ऊपर ही है, काफी ऊपर है। ज्यादा ऊपर है? ज्यादा ऊपर है वो। अच्छा, देखा है मैंने, कूट देवते का मंदिर है ना। देखो दर्शन तो निकल होंगे नहीं, वो क्योंकि अंदर ही होते हैं ना, वो उसमें निकलता है ना। अच्छा, पालकी में? हाँ। तो फिर मंदिर तो बंद होगा अभी, है ना? अभी तो सुबह तो बंद ही रहता है। अच्छा जी जी जी। तो ये देखिए हसीन वादियाँ, देवता का मंदिर तो अभी कहते बंद होगा। और ये देखिए, ये आप जगह देख सकते हैं, बोर्ड दिखा दिया आपको। और गांव देखिए आप, छोटे छोटे गांव कैसे पहाड़ों में बसे हुए हैं वो देखिए। तो ऐसे मज़ेदार कंटेंट के लिए आप हमारे हितेश शर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर भी ज़रूर करें। वो देखिए जो है हमारी थार रानी, राजा जो भी कहना हो आप इसे कह सकते हैं, किंग ऑफ द किंग्स खड़ी है। तो अब हम निकलते हैं क्योंकि रास्ता जो है आज 8.5 घंटे की ड्राइव है कम से कम भी। तो आप हमें जो है आज्ञा दें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।